हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग देखेंगे अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। लाइक कंक्रीट को अगर हमको एस्टिमेट करना हो, किस तरीके से उसका एस्टिमेशन निकालते हैं, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मिक्स प्रोपोर्शंस के बारे में, कि लाइक M15 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, M20 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, M10 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि M10 का क्या होता है 1:3:6, M15 का क्या है 1:2:4, M20 का क्या है 1:1.5:3, M25 का क्या है 1:1:2। अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए आपका M25 है, कुछ भी हो सकता है, M25 या 20, अगर M25 है तो 1 m³ के लिए कितना उसमें रेनफोर्समेंट लगेगा, लाइक कितना लाइक क्वांटिटी में हम लोग सीमेंट कैलकुलेट करेंगे, एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, मीन्स इसको हम लोग सैंड के नाम से जानते हैं, और हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स, मीन्स एग्रीगेट के बारे में, एग्रीगेट कितना क्वांटिटी में हमको लगाना पड़ेगा 1 m³ के लिए। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, इसको लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अभी से आपको बता दिया, अब इसको करिएगा। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेशियो हो सकता है, सपोज राइट नाउ आई हैव इन माय माइंड दिस इज लाइक M15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ M15, एंड एवरीवन नो मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ M15 इज 1:2:4, राइट। देन चेंज लाइक चेक योर ड्राई वैल्यूम ऑफ दिस M15। सो एवरीवन नो लाइक ड्राई वैल्यूम ऑफ द M15 इज, आप आईएस कोड में देख सकते हो, ड्राई वैल्यूम ऑफ M15 इज 1.45। ओके, आपके पास ड्राई वैल्यूम है, आपके पास मिक्स प्रोपोर्शन है, आपके पास रेशियो है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर हमको निकालना हो कि 1 m³ में कितने क्वांटिटी में हमारा सीमेंट लगेगा। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द सीमेंट क्वांटिटी? तो फॉर सीमेंट क्वांटिटी देयर इज अ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? जस्ट सी हियर, सीमेंट। ओके, फॉर सीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर हियर व्हाट ड्राई वॉल्यूम। सो योर फॉर्मूला इज ड्राई वॉल्यूम। दोस्तों, आफ्टर ड्राई वॉल्यूम जस्ट यू कैन मेंशन हियर रेंज। ओके, रेंज, एंड देन इनटू व्हाट दिस प्रोपोर्शन, दिस इज व्हाट 1। व्हाई? बिकॉज 1 बैग सीमेंट, 1:2:4, सो 1 इज फॉर सीमेंट। नाउ रेंज क्या होता है दोस्तों? रेंज मीन्स प्लस, सबको ऐड कर दो, 1:2:4 कितना आया, 1, 2, 4 मीन्स 7। सो आपको पता है कि आपका ड्राई वॉल्यूम कितना है, 1.45। ओके, एंड आफ्टर दिस आपका रेंज कितना है 7। इसके बाद कुछ लोगों को मिक्स जो ड्राई वॉल्यूम पता होगा 1.52, वो भी सही है, लेकिन अगर आप M15 का रेंज ले रहे हो तो आपको 1.45 ही करना है। ओके, आफ्टर दिस 1, आप इसको कैलकुलेट कर दो जो भी आए। एक मिनट, हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो 1.45 डिवाइड बाय 7, सो यू गॉट द वैल्यू इज व्हाट, 0.207। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सो एवरीवन नो डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी ऑफ सीमेंट नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको मैंने वीडियो दिया, उसमें लिखा हुआ है लाइक डेंसिटी किस चीज़ की कितनी होती है, आपको पता भी होना चाहिए डेंसिटी। सो 0.207 इंटू 1440 के जी पर मीटर क्यूब, कितना, 1440 के जी पर मीटर क्यूब। सो जस्ट कैलकुलेट दिस, 0.207 इंटू 1440, सो वी गेट हियर 298.08। ये क्या आ गया, आपका इतना केजी क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका 1 bag सीमेंट कितने का होता है, 1 bag जो होता है सीमेंट का कितने का होता है, 1 bag सीमेंट का दोस्तों 50 kg का होता है, कितने का होता है, 50 kg का। सेकेंड थिंग, आपको सीमेंट का वैल्यूम भी पता होना चाहिए, तो व्हाट इज द सीमेंट वैल्यूम, 0.0347 मीटर क्यूब। व्हाट, 0.0347 मीटर क्यूब। और सीमेंट बैग कितने दिन में एक्सपायर होता है, 3 months, 3 months इज द एक्सपायरी डेट। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स मिक्स इन सीमेंट कंटेंट, सीमेंट में क्या क्या मिक्स होता है, द फर्स्ट वन इज लाइम, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लाइम व्हाट, 60-65%, एंड नेक्स्ट मेन कंटेंट इज सिलिका,
व्हाट 17 to 25%। मैं इस पर भी एक आपको टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा सीमेंट के बारे में, क्योंकि सीमेंट के टाइप्स हैं, सीमेंट बनता कैसे है, ट्राइएक्सियल मेथड क्या होता है, कौन सा टाइप कहाँ पे यूज करते हैं, किसका कितना, लाइक अभी जो आप ऑर्डिनरी कंक्रीट देखते हो उसका जो मिनिमम सेटलिंग टाइम है कितना है, 30 मिनट है, मैक्सिमम कितना है, 10 आवर्स है, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए क्या जरूरत है, अभी हमारे लिए जरूरत है कि 298 kg आया है तो उसको अगर बैग में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 50, कैलकुलेट कर दीजिए कितना आता है, 298.08 डिवाइड बाई 50, 5.96। अब ये निर्भर कितना आ जाएगा, 6 बैग, ओके, या तो आपको 6 अगर बैग में निकालना है तो 6 बैग में निकालो, अदरवाइज 298.0 इज इनफ, क्या केजी में आ गया आपका, बस खत्म। अब देखिए, एक अगर आपको सीमेंट समझ आ गया तो नेक्स्ट वाला बहुत इजी हो जाएगा, कैसे इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अबाउट सैंड, सैंड में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है, ड्राई वॉल्यूम बाय रेंज इनटू, अभी देखिए सैंड का रेशियो कितना है, 2, तो यहां पे क्या कर देंगे, 2, ड्राई वॉल्यूम 1.45 बाय रेंज सेम, ओनली चेंजिंग इज व्हाट, चेंजिंग इज दिस 2, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 1.45 डिवाइड बाय 7 एंड यू गॉट हियर 0.27 इनटू 2, सो वी गॉट हियर आंसर इज 0.414 इनटू डेंसिटी, ओके, इनटू डेंसिटी, एंड एवरीवन नोस सैंड डेंसिटी, सैंड डेंसिटी इज वेरी फ्रॉम 1600 टू 1800, सो सपोज आई टेक हियर 1600, सो आपके पास एक DSR होता है, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट, उसमें आपको पता रहेगा कि हम कौन सा सेंट कहाँ से परचेस करने वाले हैं और उसका डेंसिटी कितना है, सो उसके हिसाब से आपको वेरी करके करना है। सिर्फ आप फॉर्मूले पर ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा सीमेंट का, जो लाइक सीमेंट तो नहीं लेकिन अगर सैंड है तो सैंड का डिफरेंट वेरी कर सकता है डेंसिटी, सो 0.414 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट, 1600। नाउ जस्ट कैलकुलेट हियर हाउ मेनी केजीज आर देयर, 0.414 × 1600, सो यू गॉट हियर 662.4 kg, ओके, हमने इतने केजी क्या लिया, इतना केजी हमारा सैंड आया, अब हमको सैंड भी पता चल गया, 200 something kg आपका आया था सीमेंट और ये आ गया सैंड। आगे चलते हैं एग्रीगेट देखते हैं, एग्रीगेट का क्या होगा, एग्रीगेट, अब देखिए जो सैंड होता है, सैंड कहीं पे भी स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं, कहीं पे ब्रास में कैलकुलेट करते हैं, तो सीमेंट वेरी करता है आपको कहां पे, आपको केजी में पता है, अब उसको कन्वर्ट कर लिए जिस भी फॉर्म में जिसको चाहिए, ओके। तो अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग एग्रीगेट के बारे में, एग्रीगेट, और यहां पे एग्रीगेट में क्या चेंज हो जाएगा, ओनली दिस इज 4, नाउ 1.45 बाय रेंज, रेंज इज व्हाट, अगेन 7 एंड जस्ट चेंजिंग इज आर 4, ओके, सो जस्ट आई विल कैलकुलेट वंस अगेन 1.45 डिवाइड बाय 7 into 4, so we get a value is 0.828 and density of aggregate is 1850, kya 1850, okay, it's also vary, why, kahin pe aggregate aapka chota hoga, कहीं पे बड़ा एग्रीगेट होगा, तो 1850 से लेके 2200 तक हम लोग के सीमेंट का जो एग्रीगेट होता है इसका अलग अलग डेंसिटी होता है, बट हियर आई टेक द 1850, आपका डेंसिटी अगर अलग है आपके एग्रीगेट का, आप वहां पे वैल्यू को चेंज कर दो, ओके, सो हमने यहां पे किया 0.828 × 1850 और यहां पे हमने क्या पाया, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 1531.8 kg आपका क्या लग गया, एग्रीगेट लग गया, मींस 200 समथिंग को 600 समथिंग लाइक आपका सैंड और उसके बाद 1500 kg आपका लग गया क्या, एग्रीगेट। तो ये देखिए आपको प्रॉपर आपको 1 m³ का निकाल लिया आपने, ऐसे अगर ये मोर्टार होता, ये क्या है, ये तो कंक्रीट है, बट अगर यहाँ पे मोर्टार होता तो क्या होता, मोर्टार का ड्राई वॉल्यूम
मोर्टार का ड्राई वैल्यूम कैसे निकालते हैं, जो हमारा वेट वैल्यूम है उसमें 33% उसको इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाता है उसका ड्राई वैल्यूम आ जाता है, और ड्राई वैल्यूम आ जाता है तो सेम मेथड सेम फॉर्मूला फॉर मोर्टार ऑल्सो। अगर आपको चाहिए कि मोर्टार का भी मिक्स प्रोपोर्शन कैसे निकालें, मोर्टार का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करिए सर आपको मुझे क्या मोर्टार कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में बताना है, प्लास्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में, जो भी आपके पास क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, मैं उन सब क्वेश्चंस पे काम करूंगा और उन पे जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा। सो आपके भी दिमाग में अगर आपने यहाँ तक तो वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है जो आपको YouTube पे या कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि सर मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है, डेफिनेटली मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जल्दी ही हम लोग SSC JEE के लिए कुछ सॉल्व पेपर्स जो क्वेश्चन अभी लग रहा है कि आने वाले हैं इसके लिए भी वीडियो लेके आने वाले हैं। सो अगर आपको पसंद आया तो उसको भी लाइक और शेयर करना, और मुझे बताओ कि कौन कौन SSC JEE की तैयारी कर रहा है, सो दैट कि SSC से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने तैयारी किया तो मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप बताओ तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग एस्टीमेट की बात कर रहे हैं, तो एस्टीमेट में एक बहुत कॉमन टर्म आता है आपके पास ब्रिक का, पूछते हैं ना कि इन वन ब्रिक इन वन मीटर क्यूब हाउ मेनी ब्रिक्स। अब मैं अगर बोलूं तो जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे लगभग सबको पता होगा क्या 500, क्या पता होगा सबको 500। लेकिन मैं पूछूं कैसे 500 आया, कैसे इन वन मीटर क्यूब 500 ब्रिक्स, बट कैसे, तो आप क्या बोलोगे सर नहीं पता कैसे, तो कैसे आया ये देखो कैसे होता है। आपको पता है ब्रिक का जो साइज होता है कितना होता है, स्टैंडर्ड जो कन्वेंशनल ब्रिक होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो विदाउट मोर्टार कितनी साइज होती है, विदाउट मोर्टार उसका जो मतलब कि आपका ब्रिक का साइज होता है वो कितना होता है, तो विदाउट मोर्टार होता है 19 × 9 × 9 राइट, क्या mm या सेंटीमीटर, तो इसमें हम कन्फ्यूज होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत से लोगों में देखता हूँ, और कुछ लोग क्या करेंगे बड़े महान होते हैं तो ऐसे लोग क्या करते हैं इस तरीके से लिख देते हैं, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप 9 सेंटीमीटर करो, यहाँ क्या है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो हम प्रॉपर सेंटीमीटर लिखा सकते हैं यहाँ पे। अब जब एस्टिमेट करते हैं उस टाइम पे विद मोर्टार करते हैं, विदाउट मोर्टार नहीं, तो विद मोर्टार कितना होता है, ये क्या हो गया विदाउट मोर्टार, विथ मोर्टार कितना होता है 20 × 10 × 10 ओके, और यहां पे क्या होता है सेंटीमीटर। तो जब एस्टीमेट निकालते हैं तो हम इसका निकालते हैं, किसका 20 × 10 × 10। अभी देखो मैंने ट्राइपॉड भी खरीद लिया है, तो अभी हमारे जो वीडियो प्रॉपर वीडियोस बन रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना है, और काफी मेहनत किया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये पता होगी 20 × 10 × 10 है, तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आएगा, ये 0.2 0.1 0.1 यही आएगा ना। तो जब इसका वैल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो 0.002 यही आया ना, 1 मीटर क्यूब के लिए कितना है 0.002। तो अगर हमको 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना है तो 1/0.002, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पे हमने 3 जीरो बढ़ेगा ना यहाँ से, तो जब 3 जीरो बढ़ा तो इसको काट के देखो कितना आएगा 500। तो आपका क्या आंसर आ गया 500 ब्रिक्स। तो कई लोगों को आज क्लियर हुआ होगा कि 500 आता कैसे है, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि 500 कैसे आ रहा है, या कोई भी एस्टिमेशन निकाल लो तो कैसे आ रहा है। जैसे कि सीमेंट का वैल्यूम क्या बताया मैंने 0.0347, किसी को अगर आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं आता है। कई लोगों से भी पूछूं कि अगर ट्रक में सैंड लदी हुई है वो सैंड कितना है, सैंड का साइज कैलकुलेट करना क्या आपको आता है क्या, अगर आता है तो आप नीचे कमेंट करो, अगर नहीं आता है तो पूछो मेरे से, मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आरसीसी पे, अगर आपको प्रॉपर पूरा आरसीसी चाहिए तो भी बताओ, और भी अलग 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 आपके पास टॉपिक्स हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बोला ईटैब्स के लिए ऑटोकैड के लिए, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग उस पर भी एक एक प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और प्रॉपर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कैसे करते हैं उस तरीके से हम लोग स्टेट प्रो में पार्ट में ईटैब्स पार्ट में करते चले जाएंगे, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट को करते हैं। अगर आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया तो प्रोजेक्ट बना के कैसे देना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बहुत मेहनत किया यार इस पर, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग आगे इस पर बहुत ढेर सारा काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज़।